पॉलीनोमियल बहुपद के का डिफिनेशन और कुछ ऑपरेशन को पढ़े थे, समझे थे, और आप हम आज आपको एक्सरसाइज फर्स्ट पेज नंबर 9 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, उसको ध्यान से समझिए। फाइंड द क्वांटिटेटिव एंड रिमाइंडर ऑन द पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को आपको डिवाइड करना है एक्स प्लस वन से, एक्स प्लस वन से। तो यहाँ पर एक्स की पावर 2 है और इसमें एक्स का पावर क्या है, 1 है, तो डिवाइड करने के लिए 2 में आप 1 सब्टेट कर दें, तो एक्स का पावर 2 माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 1, तो हम एक्स टाइम्स ले जाएंगे, तो एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में और 1 में, तो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और एक्स बन जा एक्स प्लस एक्स, तो स्क्वायर के नीचे स्क्वायर को, एक्स के नीचे एक्स को, इसके बाद इसको सबटेट करेंगे, सबटेट करने पर नीचे के सिंबल चेंज हो जाते हैं, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस है, और ये दोनों जो है माइनस है, इसलिए दोनों एड हो जाएंगे और सिंबल आपका माइनस रहेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x प्लस 1। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, -2 है, इसलिए हम इसमें -2 का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये जो है सेम नंबर्स हो जाए, तो इसलिए हम यहाँ -2 टाइम्स ले जाएंगे, तो -2x ये -2 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2x और प्लस माइनस -2 बन जा 2। अब आपका क्या जाएगा, यहाँ पर सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और 1, 2, 3 हो गया, तो आपका क्वांटेंट क्या आ गया, एक्स माइनस 2, यहाँ लिख देंगे क्वांटेंट, क्वांटेंट इक्वल हो गया एक्स माइनस 2, और रिमाइंडर क्या बच गया आपका, रिमाइंडर आपका आ गया 3। इस प्रकार आपका जो है ये आंसर हो गया, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन 2 और 3 एक ही जैसे हैं, उनको उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बस, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि आपका पी एक्स एक्स पावर 5 + 5x + 3x² + 5x³ + 3 जो कि आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट नहीं है, तो इसको हम सबसे पहले सबसे बड़ी पावर को सबसे पहले लिखते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, तो अरेंजमेंट में क्या आ जाएगा एक्स पावर 5 फिर 4, तो 4 इसमें नहीं दिया है तो हम फिर लेंगे 5x³ + 3x² + 5x + 3। इसी प्रकार से जी एक्स भी आपका जो है अरेंजमेंट नहीं है, तो पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 2 लिखेंगे, इसके बाद हम डिवाइड करते हैं एक्स का पावर 5 प्लस यहाँ 4 के लिए जगह छोड़ देंगे थोड़ा सा, यहाँ पर लिख देंगे 5x³ + 3x² + 5x + 3। अब ये है कि 4 के लिए क्यों जगह छोड़ी गई, क्योंकि अगर हम इसको जो है डिवाइड करेंगे तो हो सकता है यहाँ पर 4 की पावर आ जाए 4x + 2 से, तो यहाँ पर आपका पावर क्या है, एक्स का पावर 5 है, इसमें एक्स का पावर 2 है, तो 5 में 2 सबट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 में 2 सबट्रैक्ट कर देंगे क्या आएगा 3, तो एक्स का पावर 3 टाइम्स ले जाएंगे, कितने टाइम्स ले जाएंगे एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 3 का मतलब है इसमें एक्स का पावर 3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका एक्स का पावर 5 + 4 एक्स का पावर, इसमें 3 है और इसमें 1 है, तो 3 और 1 4 + 2x³। अब
यहाँ पर देखते हैं कि सिंबल पॉजिटिव है तो इसका सिंबल नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस 4s⁴। और ये क्या है आपका पॉजिटिव है प्लस 5s³, ये नेगेटिव है, दोनों के सिंबल जो है डिफरेंस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 3, और सिंबल किसका अधिक है 5 प्लस का, तो यहाँ प्लस का सिंबल हो जाएगा 3x³। अब इनको ज्यों कहते हो हम उतार लेंगे 3x² प्लस 5s प्लस 3। अब ये देखते हैं कि x⁴ का कोफिशिएंट क्या है -4, इसलिए हम इसमें -4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें x⁴ है और यहाँ 2 है, 4 में 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो -4x⁔, तो -4x⁴, और प्लस माइनस माइनस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा -4 4 16x³, यहाँ 2 पावर है, यहाँ पर 1 है तो 2 और 1 3, और प्लस माइनस माइनस 4 2 8x² अब इसका सिंबल माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अब ये कैंसिल हो गया 16 और 3 19x³ प्लस 8 और 3 11x² प्लस 5x प्लस 3। अब यहाँ पर x³ को कोफिशिएंट क्या हो गया 19, इसलिए हम इसमें 19 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 19 x³ और इसमें क्या है x⁻² है तो 3 - 2 = 1, तो 19 x टाइम्स ले जाएंगे तो 19x³ प्लस 19 4 76x² प्लस 19 2 38x। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या है, ये आपके 76 इज ग्रेटर नंबर, 11 इज स्मॉलर नंबर, तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 7 में 1 गए 6, और ये सिंबल जो है माइनस का अधिक है तो -65x² -8 में 5 3 3 33x प्लस 3। अब यहाँ पर कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट क्या है -65, और इसलिए इसमें कोफिशिएंट 1 है तो 65 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -65 टाइम्स ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -65x² और 65 4 65 4 260, क्या आएगा 260, और प्लस माइनस 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 260x प्लस प्लस माइनस माइनस 65 2 130, 2 5 10 2 6 12 1 13। अब इसको क्या करेंगे, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। 260 में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 में 3 गए 7 और यहाँ 5 में 3 गए 2 और 2 227x और ये प्लस हो जाएगा 133। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर पावर क्या है, s का पावर 2 है और यहाँ पर s की पावर 1 है, ये पावर आपका कम हो गया इसलिए अब आगे डिवाइड नहीं करेंगे, ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो कोशेंट आपका आ गया x³ -4x² प्लस 19x - 65, और रिमाइंडर हो गया आपका 227x + 133।